बसंती को देख ही पा रहे होंगे आप लोग और मैं तो ये देखिए जंगल में जब आप आते हैं किसी जू में जाते हैं और यहाँ का जो जंगल आप देख ही रहे हैं सामने खूबसूरत पहाड़ है दोस्तों और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में और सुबह की मॉर्निंग हो चुकी है और देख रहे हैं आप मैं इस रूम में ठहरा हुआ हूं और फिलहाल जिस वीडियो को आप देख रहे हैं उसी वीडियो को अपलोड करते बहुत टाइम लगा और ये हैं शिवानंद अप्पा जी जो कि मेरे लिए चाय लेके आ गए हैं थैंक यू शिवानंद अप्पा जी और ये देखिए अभी सुबह सुबह चाय लेके आ गए हैं और हम चाय पियेंगे रेडी होंगे उसके दोस्तों हम रेडी हो गए हैं और हमारी बसंती भी रेडी हो गई है हम रात को इसी होटल में रुके थे और यहाँ से अब हम निकल रहे हैं जोगी मठी के लिए और जोगी मठी यहाँ से करीब करीब 8 से 10 किलोमीटर दूर है हम निकल गए हैं जोगी मठी के लिए और जोगी मठी जो है वो यहाँ से काफ़ी दूर है से जाएंगे सीधे सामने का नजारा कितना खूबसूरत है मुझे कर्नाटक में पहली बार इतने सारे नीम के पेड़ एक साथ दिखाई दिए दोस्तों देख रहे हो इस चढ़ाई पे जाना है जोगी मठी चढ़ने के लिए और ये रास्ते हैं खूबसूरत और यहाँ में नीम के पेड़ देख के एक अलग ही खुशी हो रही है मुझे आज तो दोस्तों यहाँ की थोड़ी सी टप चढ़ाई कर चढ़ने के बाद अब मैं आ गया हूँ एक चाय की शॉप पे तो यहाँ पे जो पसीना निकल रहा है अब उसके लिए चाय तो बहुत ज़रूरी है तो हम थोड़ी सी चाय वाय लेंगे चाय लेने के लिए आपको ऐसे पहाड़ जंगलों में आना पड़ेगा तो फिलहाल हम बसंती को तो यहाँ पे खड़ा किया है और यहाँ पर लेते हैं चाय का मज़ा उसके बाद फिर आगे निकलते हैं लोकेशन तो देखो सुपर और ये भैया है जिन्होंने हमें चाय पिलाई जिनकी दुकान है ये पूरी जगह इन्हीं की है और लोकेशन देखिए मैं तो बस यहाँ देखते ही रह गया तो कोई भी अगर इस चीज़ को जान सका हो तो कमेंट्स में लिखे बाकी मैं बता देता हूँ फिर तो ये है प्योर हनी जो रिसेंटली अभी भैया लेके आए हैं भैया कहाँ से लेके आए थे जी जंगल जंगल भाई मैं एक और चीज़ बता दूँ कि ये है मर्सी अब ये देख रहे हो मर्सी को अब ये एक्चुअली ये मुझे हाय बोल रहा है ये देख रहे हो और इसका एक अच्छा पता है क्या है ऐसे पुछ करके बुलाऊंगा तो नहीं आएगा देखो अभी मेरे को नहीं देख रहा अरे वाह देख रहा है और इसको कन्नड़ आती है भाई बात बोलूंगा तो आ गया अरे बेइज्जती क्यों करा है ब्लॉग बना रहा हूँ तेरा इधर खूबसूरत रास्ते है और जंगल है फिलहाल मैं हूँ दोस्तों यहां से लग गया फॉरेस्ट और अब हम जा रहे हैं फॉरेस्ट के अंदर देख रहे हैं आप यहां पे सभी फॉरेस्ट एरिया है सो सामने खूबसूरत पहाड़ है कि बे टू जू लाल हमें जिस जगह पहुंचना था हम पहुंच गए हैं ये देखिए जंगल में जब आप आते हैं किसी जू में जाते हैं और यहाँ का जो जंगल आप देख ही रहे हैं सर इस जू का नाम क्या है सर हाडू मल्लेश्वरा मिनी जू हाडू मल्लेश्वरा मिनी जू एक्चुअली मेरी कन्नड़ अच्छी नहीं है इसलिए मैं लोगों से बुलवा देता हूँ तो थैंक यू सर हम जिस कैंपेनिंग को लेकर पूरे भारत में जा रहे हैं तो हर जगह पे आप किसी भी सरकारी या जहाँ भी जाएंगे तो वहाँ पे साफ साफ लिखा होता है नो प्लास्टिक नो एल्कोहलिक पिकनिक ये जू है जहाँ आप टिकट काउंटर पे आते हैं और ये इंटर करने का रास्ता मोहन कुमार और वेरी नाइस पर्सन या सॉरी मोहन कुमार जू अथॉरिटी कर्नाटका यार जू नेम आडू मल्लेश्वरा नीजू गाइस अब आपको मैं अंदर लेके जा रहा हूँ ये कुछ रास्ते हैं जू के खूबसूरत देख रहे हैं आप
कच्ची का रास्ता आप देख पा रहे होंगे और सामने मुझे ऐसे ऐसे जाना है। तो फिलहाल यहाँ पे हम रास्ते में भी देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, तो हम भी उठा के अंदर डालने की कोशिश करेंगे। तो ये गोल्डन पक्षी है भैया, आप देख सकते हैं इतना खूबसूरत ये जू है, इतना खूबसूरत बनाया भी है इसको, देख रहे हैं आप। इनको लव बर्ड्स बोला जाता है। देख रहे होंगे आप, अरे रास्ते भी देख लीजिए, इन पहाड़ों के बीच में है। सरप्राइज दोस्तों, दिखाई दे रहा है। फिलहाल हम जाएंगे दूसरी जगह पे, लेपर्ड देख लिए तो आपको सब कुछ दिखा दिया, अब हम जाएंगे वो सामने वाली जगह पे, शायद वहां पर लेपर्ड दिख जाए हमें। और अब हम आ गए लेपर्ड के घर में, अब दिखाते हैं लेपर्ड। वो तो गाइस ये आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। भाई जाग जाओ यार, पोछ बोझ दे दो। तो दोस्तों मैं तो इन जंगलों में घूमने का शौकीन हूँ, आज तो अब जा रहा हूँ मैं दोस्तों क्रोकोडाइल के पास, और क्रोकोडाइल मेरा सबसे फेवरेट है, फेवरेट होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा डर भी उससे लगता है। हिरन है यहाँ पे, सो सभी दूर बैठे हुए आराम कर रहे हैं, इनको बोला जाता है स्पॉटेड डियर, शांति से आराम कर रहे हैं। काफी सारी फैमिलियां जू में मिल जाएंगी क्योंकि संडे का दिन है और यहाँ पे सारे लोग इंजॉय करते हैं इसके लिए, पिकनिक मनाने के लिए, क्योंकि शहर के बाहर अगर आपको 5-6 किलोमीटर पे ऐसी लोकेशन मिलती है तो भीड़ होना स्वाभाविक है, लाजमी है। सारी लोमड़ियाँ सो रही है, देख रहे हैं आप। तो फाइनली हमने ये जू देख लिया, और जू कैसा था वो तो आपको ब्लॉग देखने के बाद पता चलेगा, और जू के सपोर्ट स्टाफ ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया। और फिलहाल आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये पहाड़ियाँ, अब हम निकल पड़े हैं अपने गतम्ब की ओर। तो फिलहाल हम निकल गए हैं और अब हमें पहुंचना है करीब 8 किलोमीटर दूर। तो गणपति बप्पा की विदाई हो रही है यहाँ पे, और आप देख रहे होंगे दोस्तों अब हम यहाँ पे काफ़ी सारी रोडों का काम चल रहा है, सो हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, फिलहाल तो हम निकल रहे हैं यहाँ से। तो दोस्तों ज़्यादातर कर्नाटक का सिटी जो है संडे के दिन बंद ही रहता है, और आप देख पा रहे होंगे ये किसकी मूर्ति है वो तो मुझे नहीं पता, पर आपको दिखाना ज़रूरी है क्योंकि मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ। दोस्तों फाइनली मैं आया था रमेश भाई की दुकान पे, आप रमेश भाई हैं मेंस ब्यूटी पार्लर, बॉम्बे मेंस ब्यूटी पार्लर, और देख रहे होंगे सेविंग एविंग कर दी है और टकली तो हो ही गई है जो अपन हमेशा रहते ही है, तो रमेश भाई ने टकली कर दी। और रमेश भाई पता है कहाँ से हैं? राजस्थान से। गणपति बप्पा के दर्शन हो गए, अब खाना खाने आ गए, और खाने में क्या है, रोटी सब्जी है, पेप्सिकम है, और वो राजू भाई के साथ खाना खाने इस ढाबे पे आए, और ढाबे पे खाना खाना मतलब तंदूरी रोटी। आई होप कि दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट्स करना मत भूलिए, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। तो कल फिर मिलता हूँ नई जगह से नए लोगों के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।